खेत में पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये है हमारे कुनका। इसको कुनका कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं जरूर कमेंट करना। रास्ते ऐसे होते हैं यार आजकल खेतों में, पूरी घास से ढके होते हैं। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र भरतवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। चलिए फिर पहाड़ों की बातें बयां करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। दो तीन दिन बाद आज फिर मौसम साफ है और हम जा रहे हैं खेत में जहां पर होगी धान की मंडाई आज, और सोनिका और मैं जा रहे हैं। और आजकल पहाड़ों में फसल की कटाई का काम भी शुरू हो चुका है, और जो फसल सबसे पहले कटती है वो है धान, साथ ही साथ झंगोरे की भी कटाई होती है आजकल। माने ली तो देखो बंदे ने पूरा पसीना आ गया है और धान अच्छी हो रही है इनकी। आज इतना बच चूचा जो असू पहले पौड़ी वहाँ गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से बेचारा थोड़ा हल्ती है तो बैठ गया। और अभी अरे हम हमें चच भी हाँ ये चल सट गए हुए हैं सुंगू रही है अभी दबू वाला हाँ देबो। और बारिश से क्या हाल हो रखे खेतों के ये देख सकते हैं आप। ये देखो यहाँ आगे तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो रखा भाई। और हमारा खेत है यहाँ सामने पर, तो वहीं जा रहे हैं हम मंडाई करने। परसों काट लिया था मम्मी लोगों ने धान, तो आज करते हैं उसकी मंडाई। खेत में पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये है भाई हमारे कुनका। इसको कुनका कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं जरूर कमेंट करना। बाकी ये तीरे छूटे हुए हैं, जो ये साइड साइड के कच्चे थे ना, इनको ऐसे छोड़ा हुआ है और इनको कहते हैं तीरे। तो ये एक दिन आएंगे फिर इनकी भी कटाई होगी। और एक खेत यहाँ नीचे में हमारा ये वाला, और इसमें भी सेम ऐसे हो रखा है। साइड साइड देखो कितना धान बचा हुआ है काटने वाला भी, तो ये सारा एक ही साथ काटा जाएगा उसके बाद। तो फिलहाल अभी हम केवल इसकी ही मंडाई करेंगे। तो सोनिका रेडी है, तिरपाल कर दियो दो बिछो दो। तो पहले तिरपाल बिछाते हैं। अबे मंडाई हो गई है और पराली भी धूप में रख दी है, और यहाँ पर थोड़ा बची हुई है, जब ये तिरपाल हटेगा यहाँ पर डालेंगे कुछ पराली और। तो भाई इतना धान हुआ है भाई पहली मंडाई में, धूप बड़ी तेज की लगी हुई है और पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। खैर इस बार नहीं दिख रहा होगा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन पसीना बहुत आ गया है। बाकी आसमान में बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं अभी, और जब बारिश आ रही है ना उस समय ऐसा लग रहा कि भाई ये क्या हो गया, अब देखो ऊपर से बादल आने फिर स्टार्ट हो गए और फिर शाम को बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। वैसे अगर 8-10 दिन मौसम थोड़ा साफ रहे साथ दे तो पूरी फसल पक भी जाएगी और लगभग मंडाई भी पूरी हो जाएगी। मौसम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैसा रहता है मौसम और कैसी हमारी फसल हाथों में आती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छी फसल हो रखी रहती है और एक ही ऐसी बारिश आती है, तूफान आता है, वो सारी फसल नष्ट कर देता है। तो ये डर भी रहता है, जब तक फसल कट के मंडाई करके घर में नहीं गई तब तक कोई भरोसा नहीं कि कैसी होगी फसल। और जब इस खेत में हम मंडाई करने आ रहे थे, यहीं सामने पर जो खेत था ना जिसमें मैंने दिखाया था धान टूटी हुई है करके, तो उस खेत में आए और मैं आराम आराम से आ रहा था, लेकिन ऊपर से आवाज़ आ गई कि ऐसे धड़ाम धड़ाम क्यों आ रहा तू, और दूसरे रास्ते आता। तो पहाड़ों में ये चीज़ें भी होती रहती हैं, पता नहीं चलता कहाँ पर टोक रोक टोक मिल जाए, कहाँ पर क्या हो जाए। तो इतना इस कट्टे में है और थोड़ा उसमें है तिरपाल में। बाकी यहाँ पर छोटा ही खेत था, यहीं से है ये हमारा और यहाँ पर तक है, ये छोटा खेत है और यहाँ पर इतना भी हुआ ठीक है। बाकी इस वाले खेत पे निगाह रहेंगी हमारी कि कितना यहाँ पर अनाज होता, कितनी धान होती है यहाँ पर। और एक खेत यहाँ ऊपर है और वहाँ पर भी, बाकी जो हमारा असली खेत था यहाँ ऊपर था वहाँ सुअर ने सारा बर्बाद कर रखा है, तो वहाँ की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं खैर ये देखो सब लवाई मंडाई पे लगे हुए हैं, वहाँ पर वो ताई लोग हैं और यहाँ पर एक आंटी जी भी हमारी, ये देखो लगे हुए हैं। रास्ते ऐसे होते हैं यार आजकल खेतों में, पूरी घास से ढके होते हैं और डर लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लगती है। आप लोगों को पता है क्यों लगती है? हाँ गौ आते हैं ना आजकल,
तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है यार आजकल। मंडुवे की फसल कुछ इस तरह की हो रखी है, अभी पकने में टाइम है, करीब आधा महीना एक महीना मान लो, उसके बाद ये भी कटने के लिए तैयार हो जाएगी। धान को सुखाने रखा हुआ हमने, और आसमान के मिजाज देखो, आधा घंटा भी नहीं हुआ काले बादल स्टार्ट हो गए आने। ये देखो यहाँ तक तो आ गए, अब थोड़ा बचा हुआ यहाँ पर, ये देखो इतना पोर्शन बचा हुआ बस, और बारिश कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। इस साइड ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, केवल यहीं पर क्लियर है, बाकी सूरजदेव भी अब छुपने वाले हैं बादलों के बीच, तो भाई ये नहीं सूखने वाले आज, मुझे तो नहीं लग रहा सूखेंगे। आखिरकार बारिश आ ही गई, ये देखो धान वहाँ पर रख दिया है, और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, हालांकि धूप भी लगी हुई है। सुबह मंडाई करने के बाद फिर शाम को भी मंडाई करने जा रहे हैं, और वहीं जा रहे हैं, सुबह मार लेते यार उस खेत को, अभी देख के लग रहा है। मम्मी ने बोला कि आज ही उसको भी आज ही मार लो, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है, तो आज मार के ले आओ उसको भी यार, आफत ही निकाल रखी घर वालों ने भी, तो अभी वहीं निकल रहे हैं भाई। ये वाला कुंगा बहुत बड़ा है यार, एक घंटा लगने वाला अभी इसमें। ये नानी क्या था, अब टॉप खानी, यो भी दे दो हमारे हाथ में टॉप, कन्ना देवी इतवी शर्माणी, हाँ जरा हेलो हाय बोला तू, लोग तो कन चिन्ह तुम क्या चिन्ह राजी खुशी चिन्ह, मैं पूछ दो, अब मित्र तभी पूछ दो, मेरी तो पूछ दो, केल पूछ, मौसम की हालत ये देख सकते हैं आप, दिन में बारिश आई एक बार बताओ आप, दिन में बारिश आई फिर अभी देखो मौसम कैसे हो रखा, क्या मस्त मौसम हो रखा, ये देखो भाई इस मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है यार। चलो पहले मंडाई शुरू कर लेते हैं, फिर से बारिश आ चुकी है, अच्छी बात यह कि हमने पूरी मंडाई कर ली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी उसी में हमने मंडाई की, और यहाँ पर तो हो गए भाई क्लियर, और अभी यहाँ पर ये धान काटना बाकी रह गया, जो तीरे होते हैं ये जो पकते नहीं है टाइम पर, तो उनको चट चट छोड़ देते हैं, और यहाँ पर मंडाई करने आए थे ये भी हो चुके थे तब तक, अब इनका भी कुनका लगाया जाएगा, बाकी ये दोनों कटाई करें। माँ ये अम्बनी ये माँ कदम एक साठी तेरे सावन हाँ तेरे सावन ठीक हुए यानी, अच्छा चलो बड़े ठीक है, अभी आधा धान हो रहे है, शाम हो चुकी है, लाइटें भी जल चुकी हैं, बाकी आजकल मंडाई चल रही है खेतों में, तो हालत बुरी हो रही भाई, सुबह शाम मंडाई पे लगे हुए हैं, और मौसम भी फिर आसमान में काले बादल लग चुके हैं, यानी रात को फिर बारिश होने वाली है, और कल मुझे बुआ के यहाँ जाना था, लेकिन देखते हैं ऐसे में कैसे क्या होता है, सुबह मौसम का मिजाज क्या रहता है, वैसे जाना तो है ही। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और चैनल को लाइक, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड।